पियोन, क्लीनर यानी कि सफाई कर्मचारी, चौकीदार आदि की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। इस भर्ती की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो 8वीं पास होना अनिवार्य, यानी केवल और केवल अगर आपने 8वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो चपरासी के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि चपरासी के लिए यहाँ पर नई भर्ती आ चुकी है। प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और अगर आप कम से कम 8वीं पास है, यानी कि अगर आपने 8th पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगा बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी, यहाँ पर कोई आपकी लिखित परीक्षा यानी कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आई हुई है, यानी कोई रिटेन एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होगा और कोई फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि आपकी दौड़ भी इस भर्ती में नहीं होगी। आवेदन आपको किस प्रकार से फिल करना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन, इसका सभी जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे। प्रोग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगी तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया गया कितनी वैकेंसी निकाली गई, जो पोस्ट नहीं रहेगा। टोटल आपको यहाँ पर 4 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। स्टाफ नर्स, चौकीदार, केयर टेकर के लिए होगी, प्योन यानी क्लीनर यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती का फिजिकल डिटेल होगा वो केवल और केवल एक पोस्ट के लिए होगा, जो आपका एड रहेगी केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 165 सेंटीमीटर, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, 160 सेंटीमीटर आपके एड होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपकी चेस्ट आएगी कि 80+5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी होना अनिवार्य है। अप्लाई मोड जो होगा डायरेक्ट भर्ती होगी, हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वो जो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी 12,500 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको 12,500 रुपये तक दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस होगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, SST फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं रहेगा। ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे, यानी किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आप कीजिए तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। चेज काउंट की जाएगी 1 नवंबर 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 नवंबर को आपकी न तो 18 से कम हो न 35 से ज़्यादा हो। अगर आप SST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 की छूट मिलेगी और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 की छूट आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेगा, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर आप सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन में से इसमें दी गई है, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। स्टाफ नर्स के लिए यहां पर BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है। और यहां पर जो ये अदर वैकेंसी होगी, यानी कि जो पियोन की वैकेंसी होगी 8वीं पास के लिए होगी, चौकीदार की वैकेंसी 5वीं पास के लिए होगी, आप यहां पर उसकी जानकारी भी ले पाएंगे। जो केयर टेकर की वैकेंसी होगी उसमें 10वीं पास से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कहने की बात ये अगर आप 5वीं 8वीं पास है तो भी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का आवेदन फिल करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर, जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। यानी कि एक ID आपको यहाँ पर देना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर है, केवल और केवल आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि केवल और केवल आपका इंटरव्यू के बेस पर ही आपका चयन किया जाएगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फिर आपको उसी कैंडिडेट का नेम इंग्लिश में फिल करना है, उसके पिता का नाम बताना है, अगर आप मैरिड कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना होगा,
फिर आपको यहाँ पर जन्मतिथि बतानी है, शब्दों में लिखना होगा जन्मतिथि को, फिर आपको यहाँ पर काउंट करके बता देनी है अपनी जानकारी, यानी कि इसको आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करने के बाद आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना यानी फीमेल है मेल है जो भी आप हो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, फिर आपको बताना है आप किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी उसकी जानकारी देनी है, फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा इस वाले बॉक्स में, फिर आपको यहाँ पर अपना फिर से एड्रेस देना होगा, अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप दोनों में आपको यहाँ पर वही फिल कर देना है, फिर आपको बताना है कि आप अनमैरिड है या मैरिड है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपने बच्चों का संख्या भी लिखनी होगी, कितने आपके बच्चे हैं उसकी जानकारी देनी है, कहने की बात ही आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें आपको साफ साफ बताया गया है किस प्रकार से आपका कहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर इसमें अगर आप चेक करना चाहे वो भी चेक कर पाएंगे, इसमें सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। सभी जानकारी के लिए हम आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट और इंटरव्यू की डेट भी बताई गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।